आज के वीडियो में आपको आमिर खान की शादी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर खान की थर्ड शादी को लेकर खूब चर्चा है और आमिर खान की न्यू फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर भी काफी चर्चा होती रही है। आमिर खान की न्यू फिल्म की रिलीज एक बार फिर से पोस्टपोन करके न्यू डेट दे दी गई है और बताया जा रहा है कि आमिर खान की फिल्म 14 अप्रैल 2022 को बैसाखी के ओकेशन पर रिलीज की जाएगी और उसी दिन मोस्ट अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 2 भी रिलीज की जा रही है। आमिर खान के साथ इस मूवी में करीना कपूर है और 2022 का ये सबसे बड़ा क्लैश है। आमिर खान अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा के बाद अपनी थर्ड शादी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आमिर खान फातिमा सना शेख से शादी के बंधन में बंधे हैं और वो अब अपनी शादी के अनाउंसमेंट अपने फैंस के साथ शेयर करेंगे। आमिर खान की शादी को लेकर ऑलरेडी बहुत स्लैम किया जा रहा है और फैंस का यही कहना है कि आमिर खान का तो बस काम ही शादी करना है और वो इसके बाद पता नहीं और भी कितनी शादियां करेंगे। और वो काफी समय से फातिमा सना से रिलेशनशिप में भी हैं। सिर्फ आमिर ही नहीं, फातिमा सना को भी बहुत स्लैम किया जा रहा है कि वो एक होम रैकर हैं और आमिर खान की सेकेंड शादी को ब्रेक करने वाली हैं और उन्हीं की वजह से आमिर खान ने अपनी सेकेंड वाइफ को डाइवोर्स दी थी। आपको आमिर खान के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।